जिस राफेल घोटाले का इतना हल्ला राजनीति में मचा हुआ है उसके तथ्य जानते हैं। सितंबर 2016 में मोदी सरकार ने फ्रांस से 7.87 अरब यूरो यानी 58,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने का समझौता किया। सरकार का दावा था कि इस समझौते में फ्रांस द्वारा मांगे जाने वाली मूल कीमत में 32.8 करोड़ यूरो की बचत हुई है और इसमें 15% कीमत का दान अग्रिम किया जाना था। इस समझौते में 50% का एक ऑफसेट नियम भी लगाया गया था जिसके तहत फ्रांस समझौते की मूल कीमत यानी 7.87 अरब यूरो के 30% हिस्से को भारत के मिलिट्री एरोनॉटिकल्स संबंधी रिसर्च कार्यक्रमों में निवेश होना था। कुल कीमत का 20% फ्रांस भारत के राफेल कलपुर्जों के उत्पादन में निवेश करेगा, यह भी तय हुआ। राफेल समझौते को लेकर शुरुआती बातचीत के बाद मूल पैकेज में दूसरे हथियारों को भी शामिल किया गया। इसमें स्कैल यानी लंबी दूरी की जमीन से हमला करने वाली अचूक मिसाइल, मारक क्षमता 300 किलोमीटर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम प्रतिबंधों से लैस, मीटियोर विजुअल रेंज से परे हवा से मार करने वाली मिसाइल अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ, 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान को निशाना बनाने में सक्षम। कुल मिलाकर 32.8 करोड़ यूरो के इस रक्षा मंत्रालय के इस सौदे में भारत ने इतनी बचत की और यह तय किया गया कि 67 महीनों के भीतर सभी लड़ाकू विमानों की डिलीवरी मिलना सुनिश्चित होगी। इस समझौते में फ्रांस भारत को कलपुर्जों के साथ ही उन्नत श्रेणी की मीटियोर और स्केल्प मिसाइलें भी उपलब्ध कराएगा। इन मिसाइलों को दुनिया की सबसे आधुनिक माना जाता है। इस समझौते में यह भी तय हुआ था कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय निजी कंपनियों को भी अहम भूमिका इसमें निभाना होगी। 3 अरब यूरो का काम अगले 7-8 साल के बीच भारत और निजी क्षेत्र को करना है और सबसे बड़ी बात यह है कि रिलायंस डिफेंस इस काम की सबसे बड़ी भागीदार बनी जिसको लेकर इतने अधिक आरोप कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर राफेल सौदे का जो चिन्ह एक बार फिर से बाहर आया है उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि देश के शीर्ष न्यायालय फ्रांस से हुए 36 राफेल लड़ाकू विमान समझौतों पर सरकार को क्लीन चिट दे चुका है और अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो जल्दी हमारी वायुसेना में ये लड़ाकू विमान शामिल हो जाएंगे। कुल मिलाकर यह भी आश्चर्यजनक बात है कि 9.17 करोड़ यूरो सिंगल सीट वाले राफेल की कीमत है प्रति यूनिट और 28 सिंगल सीटर राफेल जंगी जहाज इस समझौते के तहत मिलेंगे। साथ ही प्रशिक्षण के लिए 2 सीटों वाले 8 राफेल विमान भी प्राप्त होंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।